आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो पियर कैप होता है उसका जो कंक्रीट का क्वांटिटी होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पियर कैप में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं और बहुत सारे टाइप के शेप जो है वो हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ दो बेसिक शेप्स जो हैं जिनमें लोगों को प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पियर की कैप जो है वो बहुत टाइप की हो सकती है। आप मेट्रो की पियर्स देखते होंगे, उसमें कुछ अलग शेप होता है, और एक जो आप मेजर ब्रिज पे जो पियर देखते हैं उसमें भी दो टाइप की जो है हमारी शेप हो सकती है पियर कैप की। तो हम उनकी क्वांटिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक जो बेसिक टाइप की जो पियर कैप होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, जो यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होती है और यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप चलता है ऐसे, और इधर स्लोप चलता है, और यहाँ पे यहाँ पे एक स्ट्रेट पोर्शन रहता है और यहाँ पे स्ट्रेट पोर्शन रहता है। तो इसकी भी कुछ लेंथ रहती है और इसकी भी कुछ लेंथ रहती है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे लेंथ चलती है। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मानते हैं कि इसकी जो विड्थ है, सॉरी जो इसकी लेंथ है वो है 15 मीटर। तो हम यहाँ पे 15 मीटर यहाँ पे इसकी लेंथ लेके चलते हैं। तो ये यहाँ पे 15 मीटर इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो पियर की लिफ्ट है वो यहाँ पे 2 मीटर की है, 2 मीटर्स, ठीक है। तो ये 2 मीटर्स मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो ऑफसेट है ये मान लीजिए यहाँ पे 250 का ऑफसेट है, और ये इधर भी जो है 250 का ऑफसेट है। ये दोनों तरफ 250 का ऑफसेट हो गया है, और अब ये जो बची कुची लेंथ है वो हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ये वाली टोटल विड्थ बनती है 2500 mm की, ये 2500 mm की हमारी टोटल विड्थ बनती है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वाली लेंथ ऊपर वाली लेंथ के सेम ही होगी, और ये यहाँ पे मान लीजिए 750 mm का ये हाइट है, और ये वाला हाइट भी 750 mm का है। तो ये इसके कुछ डायमेंशंस हम लोगों ने देखे, और अब इसकी क्वांटिटी निकालना हम लोग चालू करते हैं। तो क्वांटिटी निकालने के सबसे पहले हमको यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो मान लीजिए हम पहला पार्ट ये ले लेते हैं, यहाँ पे एक पार्ट हम लोग रेक्टेंगुलर पार्ट ले लेते हैं, जो हमारा ये कुछ इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, और इसको हम लोग पहले इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं, फिर बचे हुए की क्वांटिटी निकाल लेंगे। हाँ, इसमें हमको एक चीज़ और चाहिए, हम लोग मान लीजिए इसकी विड्थ जो है, विड्थ हम लोग मान लेते हैं इसकी 3 मीटर विड्थ है, 3 मीटर, 3 मीटर यहाँ पे विड्थ मान लेते हैं। अब इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन की क्वांटिटी क्या निकल के आती है। तो हम लोग पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट की क्वांटिटी निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास में एक तो हो गई लेंथ जो हमारी 15 मीटर है, विड्थ जो हमारी 3 मीटर है, और इसकी डेप्थ या हाइट ये हो गई इसकी 750 mm या 0.750 मीटर। इसकी हम लोगों को पहले क्वांटिटी निकाल लेना है कि ये कितनी आएगी। इसकी क्वांटिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आएगी 15 मीटर इंटू 3 इंटू 0.75, तो ये आती है 33.75, 33.75 क्यूबिक मीटर। ये हमारी फर्स्ट पार्ट की निकल गई। अब सेकंड वाला पार्ट आता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन की भी निकालना इजी है। आप इसका एक एवरेज यहाँ पे विड्थ निकाल लीजिए कि आपका एक एवरेज विड्थ क्या आता है, उसको आप लोग हाइट और विड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेकंड वाला पार्ट हम लोग अब निकालेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों को लेंथ जो है वो यहाँ पे 15 मीटर प्लस 2.5 मीटर इसका एवरेज हो जाएगा। तो इसका एवरेज हम लोगों को ले लेना है। तो 15 प्लस 2.5 इसका विड्थ जो है वो निकलता है एवरेज में 8.75 यहां पे इसका एक एवरेज विड्थ निकलता है। इसको हम लोग
3 मीटर विड्थ और 0.75 एमएम की हाइट या डेप्थ। इसमें हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे तो आती है हमारी 19.6875 क्यूबिक मीटर, और इन दोनों का जो सम अप है वही हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, जो कि आएगा 53.44 क्यूबिक मीटर या 53.438 क्यूबिक मीटर, ये यहां पे इसकी क्वांटिटी निकल के आएगी। तो ये इसका तो इजी है निकालना, ये हम लोगों ने देखा अभी। और इसके अलावा एक और टाइप का होता है जो मैं आपको बताता हूं, वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए आपकी जो हाइट है, सॉरी जो आपका जो शेप है वो साइड से तो ऐसा ही दिखेगा आपको, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया अभी, सेम वैसा ही यहां पे इसका भी आपको दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पे इसका शेप यहां से साइड से आपको दिखेगा, ये इस टाइप से केप का साइज रहेगा। और जो भी हमारी पियर की लिफ्ट होती है वो तो होती ही है। अब यहां पे हम लोग अगर इसका सेक्शन देखें तो सेक्शन इस टाइप से होगा इसका कि ये ऊपर में कुछ विड्थ हो गई, ये यहां से लेके यहां तक तो सेम हो गई ऐसे, ठीक है। लेकिन यहां से इसने वेरी किया हल्का सा, जितना भी किया ऐसे और ऐसे, तो मींस जहां पे हमारा पियर का लिफ्ट है वहां पे इसकी विड्थ कम हो गई। मान लीजिए यहां पे 4 मीटर विड्थ है यहां पे 4 मीटर विड्थ हो गई और यहां पे हो गई 3 मीटर या 2.5 मीटर मान लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, तो 2.5 मीटर ऐसे भी हो गई और 2.5 मीटर की चौड़ाई ऐसी भी हो गई सेक्शन पे देखने में। हम लोग यहां से अगर एक सेक्शन काट के देखें, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे हम लोग जो सेक्शन काट के देखेंगे और उसको देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का यहां पे दिखेगा। तो ये इस तरीके की भी यहां पे जो है वेरी हो सकती है, इसको भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें क्या है, अब यहां पे इसमें विड्थ भी वेरी कर गई है। तो अगर विड्थ इसमें वेरी कर रही है तो हम लोगों को वेरी वाली विड्थ जो भी हो रही है हमारी, मान लीजिए यहां पे 4 मीटर है 2.5 मीटर है, तो इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। इसका एवरेज यहां पे निकाल के फिर हम लोगों को इस साइड में क्या एवरेज आ रहा है वो भी निकाल लेना है, और वो निकाल के आप लोग क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग निकाल के देखते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये ऊपर वाला, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इस फर्स्ट पार्ट का तो इजी है निकालना, मान लीजिए ये भी 750 है, ये हाइट ऊपर वाली हाइट जो है ये 750 है और जो नीचे वाली हाइट है वो भी 750 है, ये भी 750 है। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये वाला निकालते हैं। मान लीजिए 15 मीटर की लेंथ है तो 15 मीटर की लेंथ में 15 मीटर की लेंथ में हम लोगों को 4 मीटर और 750 mm की विड्थ में जो भी हमारी क्वांटिटी निकलेगी वो निकालनी है। तो वो कितनी आएगी, 15 × 4 × 0.75, ये आती है 45 क्यूबिक मीटर। अब आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा,
हमारी हम लोगों को ये वित्त की जो है एक एवरेज लेनी पड़ेगी। तो इसकी एक एवरेज लेते हैं, इसकी एवरेज कितनी आएगी, 15 मीटर प्लस 2.5 मीटर, इसका एवरेज आएगा 8.75। तो एक तो हो गई हमारी 8.75, यहाँ पे 8.75, ये 18.75 नहीं है, 8.75 मल्टीप्लाइड बाय इसका एवरेज निकालेंगे हम लोग, इसका एवरेज कितना आएगा, तो यहां पे 2.544 मीटर इसका एवरेज क्या आएगा वो देखते हैं, 4 प्लस 2.5 इसका आता है 3.25, तो 3.25 एक एवरेज इसका हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाइड बाय डेफ्ट, तो ये टोटल मिला के आएगा इसका यहां पे 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, तो इसका आएगा टोटल 21.328। इसका हम लोग सम अप करें तो आएगा 66.328। तो अधिकतर जो है ये दो टाइप के ये हमारे पीयर कैप के जो केस होते हैं, एक तो जो मैंने आपको ये बताया ये, और एक जो इससे पहले वाला था वो, ये दोनों टाइप के ही यहाँ पे आप लोगों को केसेस देखने मिलेंगे। इसके अलावा एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे भी इसमें वेरी किया हो, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से यहाँ पे इसमें वेरी किया हो, तो ये वाला शेप भी हो सकता है, और यहाँ पे एक राउंड शेप भी हो सकता है, हल्का सा यहाँ पे राउंड लेके इस टाइप से भी केप होती है, इधर भी एक राउंड होता है और यहाँ पे भी एक राउंड हो सकता है इस तरीके से देखने पे, तो कुछ इस तरीके की शेप्स भी हो सकती हैं, वो भी निकालना इजी है, कुछ नहीं है उसमें। एक सर्कल का सेगमेंट बनता है, उसकी आप लोग कितनी ये निकल रही है, इसकी आर्क, आर्क की लेंथ के हिसाब से आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो ईजी है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है कुछ भी निकालने में। लेकिन जो मोस्ट जो केसेस होते हैं वो जो मैंने आपको बताया, जिनकी हम मैंने कैलकुलेशन बताई है, वही दो टाइप के यहाँ पे अधिकतर केसेस होते हैं। उसके अलावा मैंने तो अभी तक नहीं देखे हैं मेरे 10 साल के करियर में, लेकिन आप लोगों ने देखे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अधिकतर जो ये वाले राउंड वाले शेप वगैरह जो है ये मेट्रोज में यूज़ होते हैं अधिकतर देखने में, या कहीं पे जो बॉक्स टाइप गटर होता है वहाँ पे बहुत ही कम चांसेस में ये देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम चांसेस में। बाकी जो हमारे ये वाले पियर कैप होते हैं यही अधिकतर देखे जाते हैं, और क्योंकि इनकी शटरिंग जो है मीन्स इनका जो फॉर्म वर्क है वो इजी होता है और स्पीडली इसको किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, हम लोगों को एक स्पेशल बेसिस पे यहाँ पे फॉर्म वर्क यहाँ पे बनवाना पड़ता है, तो इसमें और उसमें जो है टाइम का बहुत वेरिएशन आ जाता है, इसलिए जनरली कंपनीज जो है इसी डिज़ाइन को प्रीफर करती है, या तो ये डिज़ाइन या इससे भी ज़्यादा प्रीफर करेंगी वो जो बिल्कुल एक सब उसके विड्थ में जो बिल्कुल एक सेम टाइप का यहाँ पे जो मीन्स मान लीजिए ऊपर 4 मीटर है तो नीचे भी विड्थ इसका 4 मीटर हो, उस टाइप से कंपनीज प्रीफर करती है ज़्यादातर, क्योंकि उसकी शटरिंग ईजी होती है, बिल्कुल ईजी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ये टू टाइप्स के ही हमेशा पियर कैप यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी अब आप लोगों को निकालना आ गई होगी, तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इसको, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी सीखना मिले, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहाँ पे बहुत ही आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में अगला वीडियो अब मैं बनाऊंगा कि जो इंटरव्यू में होते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो डाउट जो है मैं आपको अगले वीडियो में जो है क्लियर कर दूंगा सारे के सारे डाउट्स, और आप लोगों को ईजी हो जाएगा, आप लोग इंटरव्यू जो है बेझिझक देके आ सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर इंटरव्यू देने जाने में आप लोगों को डर भी नहीं लगेगा क्योंकि आपको पहले से ही पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।